एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन, अरविंद केजरीवाल जी ने जो राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन डाली थी कि वो अपने डॉक्टर से, अपने डायबिटीज के स्पेशलिस्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंसल्टेशन करना चाहते हैं, और उन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी कि वो इंसुलिन फिर से शुरू करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन का विरोध भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और भारतीय जनता पार्टी के तिहाड़ प्रशासन ने किया। ईडी के वकील कोर्ट में प्रस्तुत हुए, कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से नहीं मिलने देना चाहिए। तिहाड़ का वकील पेश हुआ जो एलजी साहब की तरफ से पेश हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से वीसी नहीं करने देंगे, हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोर्ट में जो दलील रखी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टर कंसल्टेशन का विरोध किया, इंसुलिन की जरूरत का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने एम्स के डॉक्टर से बात करी, एम्स के डॉक्टर बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को क्या चाहिए। एम्स के डॉक्टर देश के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, तो अगर वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सही डाइट चार्ट फॉलो करेंगे, तो ना उनको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, ना उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, और ना ही उनको इंसुलिन की जरूरत है। ये बात भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी के तिहाड़ प्रशासन ने रखी। आज मैं आप सबको एम्स के डॉक्टर की सच्चाई बताना चाहती हूं। ईडी ने, तिहाड़ प्रशासन ने जब एम्स के डॉक्टर्स का पक्ष रखा, तब तक उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की एम्स के किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं करवाई थी। वो उन्हें एम्स के किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए थे, एम्स के किसी डॉक्टर को तिहाड़ नहीं बुलाया था, किसी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया था। और जैसा कि कल हमने आपको उनकी चिट्ठी पेश करके सामने रखा, दो दिन पहले तक उन्होंने डायबिटोलॉजिस्ट की रिक्वेस्ट तक एम्स को नहीं रखी थी। तो सबसे पहली बात, वो कोर्ट में खड़े हुए कहा कि हमने एम्स से कंसल्ट किया है, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एम्स के किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया। दूसरी बात, कोर्ट में यह कागज दाखिल किया तिहाड़ प्रशासन ने कि एम्स के सबसे बड़े डॉक्टरों ने, एम्स के डायबिटीज के स्पेशलिस्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की डाइट चार्ट बताई है कि अगर वो इस डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे तो उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं होगी। एम्स के इस कागज के आधार पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन का विरोध किया। ये डाइट चार्ट किसने बनाया? क्या ये एम्स के डायबिटोलॉजिस्ट ने बनाया? क्या ये एम्स के डायबिटीज स्पेशलिस्ट ने बनाया? नहीं। आप अगर इस डाइट चार्ट को देखने जाइए तो ये किसी डायबिटोलॉजिस्ट ने नहीं बनाया, ये मात्र एम्स के न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, डायटेटिक्स डिपार्टमेंट से एक स्टैंडर्ड डाइट चार्ट ईडी उठा के ले आई। आप इस डाइट चार्ट को देखिए तो इस पे लिखा, ये नहीं लिखा डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज, ये नहीं लिखा डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, इसमें लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ डायटेटिक्स। और इस डाइट चार्ट पे साइन करने वाले हमें कहते हैं कि इन्होंने एम्स के टॉप डॉक्टर से कंसल्ट किया है। आप इस डाइट चार्ट को उठा के देखिए तो इस पे साइन करने वाली डॉक्टर परमीत कौर डायबिटोलॉजिस्ट नहीं है,
एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं है, एक डायटिशियन है। और हम सबको पता है कि डायटिशियंस एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं होते हैं। यहां तक कि परमीत कौर जी का अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ये दिखाता है कि वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, वो एमएससी और पीएचडी है न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स। वो जरूर सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट होंगी, वो जरूर डायटिशियन की फील्ड में क्वालिफाइड होंगी, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी जिनको 30 साल से डायबिटीज है, अरविंद केजरीवाल जी जिनका शुगर लेवल 300 के ऊपर है, अरविंद केजरीवाल जी जिनका ईडी कस्टडी में शुगर लेवल 45 पे गिर गया था, क्या ये एम्स से कंसल्टेशन कर रही है ईडी? क्या ये एम्स से कंसल्टेशन कर रहा है तिहाड़ प्रशासन? तो आज जो कागज तिहाड़ प्रशासन ने और ईडी ने कोर्ट में जमा किए हैं, ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी अपने डॉक्टर से बात ना कर सके, अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन ना मिल सके, इसके लिए पूरा षड्यंत्र रच रहा है। कोई भी डॉक्टर दिल्ली में तो क्या, देश में तो क्या, दुनिया में आपको कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा जो आपको कह देगा कि 300 के ऊपर का शुगर लेवल बिना इंसुलिन के इंजेक्शन से कंट्रोल हो सकता है। लेकिन कोर्ट को गुमराह करने की साजिश की जाती है, कोर्ट को एम्स के डॉक्टर्स का हवाला दिया जाता है, लेकिन कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, कोई डायबिटोलॉजिस्ट का डाइट चार्ट नहीं आया, कोई डायबिटोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन की जरूरत है। थैंक यू। जी अपना रिप्लाई भी उन्होंने फाइल किया है कोर्ट में जी, क्या आपके वकीलों ने इस बात को वहां पर उठाया है? बिल्कुल, हमने ये बहुत स्पष्ट तौर से बात रखी है कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने स्पेशलिस्ट डायबिटीज डॉक्टर से कंसल्ट करने का अधिकार होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की डायबिटीज कोई छोटी चीज नहीं है, उनको 30 साल से डायबिटीज है, 54 यूनिट इंसुलिन वो लेते हैं, उनका शुगर लेवल 300 पार कर रहा है। जब ईडी कस्टडी में थे एक दिन उनका शुगर लेवल 45 पर गिर गया था, ईडी कस्टडी के दौरान मात्र 11 दिन में उनका वजन 5 किलो घट गया था। ऐसी फ्लक्चुएशंस चाहे वजन में चाहे शुगर लेवल में किसी भी डायबिटीज के पेशेंट के लिए, किसी भी सीवियर डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत सीरियस हो सकती हैं, बहुत घातक हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल मजाक है कि बिना किसी डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाए, बिना किसी डायबिटीज डॉक्टर से सलाह लिए ऐसे डाइट चार्ट्स को कोर्ट में सबमिट किया जा रहा है और इनका हवाला देके कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन की जरूरत नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रात भर गाजीपुर में दिल्ली फायर सर्विस के फायर टेंडर्स मौजूद थे, आग बुझ गई है। आग बुझने के बाद भी कुछ कुछ धुआं अभी वहां पे मौजूद है, वो भी हमें उम्मीद है कि कुछ देर में समाप्त हो जाएगा। वहां पर कल शाम को दिल्ली के डिप्टी मेयर मोहम्मद आले इकबाल गए थे, उन्होंने पूरा इस प्रोसेस को सुपरवाइज किया जो फायर टेंडर्स काम कर रहे थे। आज सुबह दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय जी वहां पर जा रही हैं मौके पर उसको साइट को देखने के लिए। और हम ये आग कैसे लगी, ये आग किसने लगाई, ये आग किस प्रक्रिया से लगी, इस पर एक इन्वेस्टिगेशन जरूर कराएं।